पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज संवेदना द किड्स कॉटेज में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय को रंग बिरंगी थीम पर सजाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएल गुप्ता, आई इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड स्कूल की ओनर शिखा गुप्ता, विद्यालय की निदेशिका कैप्टन डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा और प्रशंसा मौजूद रही। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत मेधावियों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा नारी शक्ति, माता पिता और अध्यापिका को समर्पित नृत्य इत्यादि गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि शिखा गुप्ता ने बताया कि वैसे तो सभी बच्चे नन्हे मुन्ने तारे हैं। उन्होंने विद्यालय के नन्हे मुन्ने संवेदियंस को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के निर्देशिका कैप्टन डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा ने बताया, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण मानवीयता का गुण है और किसी भी व्यक्ति की योग्यता न तो उसकी व्यवसाय या प्रसिद्धि के कारण होती है, अपितु उसकी योग्यता उसकी मानवता के गुण के कारण होती है। मिस प्रशंसा ने बताया कि मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं इस विद्यालय का हिस्सा हूँ। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। कार्यक्रम में आभार अभिव्यक्ति विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रुति गुप्ता द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन बिस्मा और विद्यालय के विद्यार्थियों प्रतीश कपूर तथा हमना शाहिद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की शिक्षिकाओं में सलोनी, संपदा, मुस्कान, रजनी, अजरा, तृप्ति, कुलसुम, जैनब, दीक्षा, दीक्षिका, सना, इल्मा, अनीता, वनहर, हर्षिता, आंचल इत्यादि सभी शिक्षिकाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूं तो संवेदना का परिसर बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र से, बहुत सारे प्रशासनिक क्षेत्र से गणमान्य लोग आते रहते हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहता है उनका स्वागत करने का और उनका आशीर्वाद देने का। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे मध्य उपस्थित हैं उनकी बात ही पूछ रही है और जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि दो पंक्तियाँ जो मेरे मन में आती हैं कि चितवनों से मिलता है सुराग वातिन का, चितवनों से मिलता है सुराग वातिन का, चाल से तो आपकी साथ भी लिखती है। हमारी शिखा गुप्ता मैम, आप ऐसे परिवार से हैं जो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसको किसी भी तरीके के परिचय की आवश्यकता नहीं है और मैम न केवल इसलिए सम्माननीय है कि वो बहुत बड़े एक व्यवसायिक परिवार से संबंधित हैं, न केवल इसलिए सम्मानित हैं कि सीए गुप्ता इंस्टीट्यूट की आप ट्रस्टी हैं, न केवल इसलिए सम्मानित हैं कि स्नेह प्रोजेक्ट की आप फाउंडर हैं, न केवल इसलिए सम्मानित हैं कि सीए गुप्ता वर्ल्ड स्कूल, नाम से ही परिचित हो सकता है कि वर्ल्ड स्कूल उससे संबंधित हैं। आपका जो सामाजिक सरोकार है मुझे हमेशा उसने आपके प्रति बहुत आकर्षित किया है और आपका जो अनुशासन है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति में सब कुछ होने के साथ अगर मानवीयता का उनके जीवन में जो मानवीयता है वो इतना बड़ा गुण है जो कि हर एक व्यक्ति से उनको अलग करता है। संवेदनाओं को मैंने बहुत गरीब से जाना। मीनू जी, मुझे कल ही आपके स्कूल का नाम पता चला कि इट इज संवेदना प्ले स्कूल। जैसे कि मीनू मेहरोत्रा जी आपको मेरे बारे में बताया, मेरा नेचर है कि मैं व्यक्ति विशेष पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ बजाय इसके कि उसकी और पारिवारिक जीवन के बारे में जानूं। नहीं, मेरे लिए व्यक्ति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आज तक मैं मीनू मेहरोत्रा को उनके अच्छे गुण, उनके समर्पण और उनकी जो समाज के प्रति नीतियाँ हैं उसके लिए मैं जानती थी। लेकिन आपके स्कूल में आकर जब ही मैंने यहाँ एंटर किया, मुझे जो वाइब्स मिली बहुत पॉजिटिव थी, बहुत सकारात्मक थी और संवेदना ना भी अपने आप में इतना अर्थपूर्ण है कि इसके आगे कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बच्चों को जो आपके इस विद्यालय में, इस प्ले स्कूल में जो संस्कार और जो इस प्ले स्कूल की संस्कृति है वो अद्वितीय है। बच्चों ने जो जो कार्यक्रम या प्रस्तुत किए, जो सेलेक्शन था उन सॉन्ग्स का
और जो आत्मविश्वास था आपके बच्चों में वो अकथनीय है। इतने छोटे बच्चों में इतना आत्मविश्वास नहीं देखने को मिलता है। वो एक बच्ची काव्या जोशी, उसका सॉन्ग अलग हो गया, लेकिन उसने ये नहीं शो करा कि वो गलत गाने पे डांस चल रहा है, उसने स्टेज को जीत लिया। तो मेरा आप लोगों से बहुत निवेदन है कि जो यहाँ के शिक्षक हैं उनको ऐसे ही हीरे तराशने हैं। संवेदना किड्स कॉटेज में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी और हमने इसमें बहुत सारे अवार्ड्स इस तरीके से रखे, एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स वर्सेटाइल हाईएस्ट अटेंडेंस अवार्ड, एज वेल एज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है जो हमने पेरेंट्स को देते हैं, मोस्ट कोऑपरेटिव पेरेंट्स पैरामीटर्स थे। हमारा आज संवेदना किड्स कॉटेज इसलिए भी ब्लेस्ड है क्योंकि आज हमारी चीफ गेस्ट मिसेस शिखा गुप्ता मैम हमारे प्रिमाइसिस में आई थी एंड इट इज़ रियली अ प्राउड मूवमेंट बिकॉज ब्लेसिंग्स of such a renowned personality is really a big deal for me. So इसी के साथ आप सब लोगों को thank you so much और सारे ही बच्चों को बहुत ही बहुत congratulations. Being a principal of संवेदना मेरे लिए बहुत ही proud moment है और जो बच्चे आज अचीव कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, और जिन बच्चों को अभी थोड़ा सा lackings हैं उनके लिए मेरी बस एक ही बात है कि will power अपनी strong रखिए और अपने steps को हमेशा आगे रखिए and you will be successful. Thank you. पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।